नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में चर्चित सृजन महाघोटाले मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। निजी जमीन पर कब्जा के विरोध में जमीन मालिक ने थाना गेट पर दिया धरना, अंचल कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। एसएम कॉलेज में खुलेगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर, कामकाजी लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में होगी सहूलियत। और भागलपुर आरसीटी में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, निदेशक बोले बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर बनाया जाएगा हुनरमंद। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के सबसे बड़े स्कैम सृजन घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें घोटाले की 3 आरोपी अपर्णा वर्मा, राजरानी वर्मा और जसीमा खातून को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार तीनों आरोपितों को पेशी के लिए भागलपुर कोर्ट लाया गया, जहां सीजेएम प्रवाल दत्ता की कोर्ट में पेशी की गई। बताया जाता है कि तीनों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट पटना से हाल ही में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद सीबीआई टीम ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर तीनों की गिरफ्तारी की है। अपर्णा वर्मा और राजरानी वर्मा भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं, जबकि जसीमा खातून तातारपुर थाना क्षेत्र की हैं। और ये तीनों आरोपित महिलाएं सृजन महिला विकास सहयोग समिति सबौर की प्रबंधन कारिणी सदस्य थी। जानकारी के अनुसार घोटाले की मास्टरमाइंड और सृजन की सचिव मनोरमा देवी से इन तीनों महिला आरोपियों के करीबी संबंध थे। तीनों के घर पर सीबीआई ने अगस्त महीने में भी दस्तक दी थी, लेकिन तब तीनों पीछे के दरवाजे से फरार हो गई थी। वही सूत्रों के अनुसार सोमवार की देर रात सीबीआई टीम ने एक बार फिर तीनों के घर पर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सीबीआई टीम ने अलग अलग स्थानों पर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी की है। नवगछिया प्रखंड के ढोलबज्जा में भूदान की जमीन बताकर वहां के दर्जनों महादलित परिवारों द्वारा बीते शुक्रवार से ही करीब 80 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का आरोप जमीन मालिक ने लगाया है। इसके विरोध में जमीन मालिक विदेश्वरी प्रसाद जायसवाल के पुत्र राजेश कुमार ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सोमवार को बाजार बंद कर थाना गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जमीन मालिक द्वारा यह धरना प्रदर्शन उनके जमीन पर कब्जाधारियों एवं नवगछिया सीओ के खिलाफ दिया गया। वही धरना पर बैठे पीड़ित पक्ष के राजेश कुमार ने बताया कि जिस जमीन पर महादलित परिवारों की ओर से कब्जा कर घर बनाया जा रहा है, वह जमीन उसका खातियानी एवं रैयती जमीन है और इसका रसीद भी अप टू डेट है। राजेश ने कहा कि बावजूद इसके महादलित परिवारों ने उसकी 80 डिसमिल जमीन को भूदानी बताकर उस पर अवैध रूप से कब्जा कर घर बनाना शुरू कर दिया है, जबकि नवगछिया सीओ पर भी बिना देखे करीब 41 महादलित परिवारों के दखल कब्जा की पर्चा रसीद देने का आरोप जमीन मालिक ने लगाया है। वही इसको लेकर घर बना रहे दर्जनों महादलित परिवारों के लोगों ने बताया कि उन्हें पर्चा और रसीद मिला है। साथ ही आरोपी पक्ष के लोगों का कहना है कि करीब 2 एकड़ 18 डिसमिल की यह जमीन भूदान की है और भूमिहीन होने के कारण वे लोग पिछले 20 वर्षों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को बसाने के लिए किसी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भूदान की जमीन जानकर यहां भूमिहीन महादलित परिवारों ने चढ़ाई की है। वही धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सीओ विश्वास आनंद और नवगछिया इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह ढोलबज्जा पहुंचे और धरना पर बैठे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने कब्जाधारी महादलित परिवारों को हटाने और गलत तरीके से पर्चा रसीद देने वाले अंचल कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि राजेश कुमार ने 41 महादलित परिवारों के खिलाफ ढोलबज्जा थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि सीओ द्वारा दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा देने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। हमारे खतियानी जमीन में, खतियानी रहती जमीन में जो मेरे दादाजी के नाम से है, उसमें मेरा आज तक दखल कवच है सर। उसमें अचानक हरिजन लोग घर बनाने के लिए, कितना जमीन पर लोग घर बना रहा था, ये 1533 जिस खेसराक में जमीन में है, कितना खेसरा में लगभग 10 कट्ठे की जमीन मेरा है, 8 कट्ठे की है चाचे की। कब ये लोग घर बना रहे हैं, कब से? ये 26 को बनाए थे।
यही दिक्कत छे कि हमरा कर रहा है कि सर जगह नहीं छे, हमरा के बाल बच्चा ओस में सुते छे, सड़क पर सुते छे, जमीन बला के 20 साल से लिहरा कर रही है, हमरा के जमीन दा एक कट्ठा तो नहीं भवन अखनी हमरा के दिक्कत होले, हमरा के पानी हर बेर दौड़ने छे, हमरा के खाक दौड़ने छे, भनसा पर दौड़ने छे, एक टाइम बर्तन में छे, दो टाइम खाना बनाबे छे। बोला है रात में सामने सब मीटिंग बना करके सबको बोला है इकट्ठा होकर उसका क्या है, दुकान कहाँ है खाली करने के लिए, जूता सफल सीता है उसका सबको फेंक दिया रोड पर, हटाओ मादर सुल्तानी को। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना का स्टडी सेंटर TMU की अंगीभूत इकाई SM कॉलेज में खुलेगा। वही SM कॉलेज में NOU के अध्ययन केंद्र खोले जाने को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बता दें कि SM कॉलेज राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर को कॉलेज में प्रस्तावित नालंदा खुला विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर का कोऑर्डिनेटर नामित किया गया है। कॉलेज के प्रचार डॉक्टर रमन सिन्हा ने बताया कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर खुलने से कामकाजी महिलाओं छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में काफी सहूलियत होगी, साथ ही महाविद्यालय के लिए भी ये गौरव की बात होगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में स्टडी सेंटर खोले जाने से भागलपुर सहित आसपास के इलाके के छात्र छात्राओं को अध्ययन में सुविधा होगी। डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि केंद्र के ओपनिंग को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में SM कॉलेज में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर का उद्घाटन होगा। कोऑर्डिनेटर ने बताया कि NOU का अध्ययन केंद्र खुल जाने से इसमें विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के कला वाणिज्य विज्ञान और व्यावसायिक कोर्स के विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। उन्होंने बताया कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में रोजगार परक दर्जनों डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित हो रहे हैं जो छात्रों को स्वावलंबी बनाने में मददगार होगा। भागलपुर के नाथनगर स्थित यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार को विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भागलपुर RCT डायरेक्टर राम विलास साह की सेवानिवृत्ति को लेकर उन्हें समारोह पूर्वक विदाई दी गई। समारोह में निदेशक राम विलास साह को RCT भागलपुर के नए डायरेक्टर अभय कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया और उनके कार्यकाल में हुए कार्यों की जमकर सराहना की, जबकि स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उन्हें उपहार भेंट किया गया। कार्यक्रम में उनके द्वारा यूको बैंक के विभिन्न शाखाओं में किए गए कार्य और यूको RCT में दिए गए अपने योगदान की चर्चा की गई। वही भागलपुर यूको बैंक के कार्यकारी अंचल प्रबंधक अपूर्ण कर्ण ने कहा कि शंभुगंज शाखा और शाखा के ग्राहकों से राम विलास शाह के कार्यों की जानकारी मिली, जिसमें कई सकारात्मक बातें और कार्य सामने आए। साथ ही उन्होंने भागलपुर अंचल कार्यालय की तरफ से शुभकामनाएं भी दी। इधर जिला अग्रणी प्रबंधक मोना कुमारी ने कहा कि रामविलास शाह ने अपने जीवन के मूल्यवान 38 साल यूको बैंक को दिया, इसके लिए बैंक की पूरी टीम उनका आभार व्यक्त करती है। जबकि यूको RCT भागलपुर के नए निदेशक अभय कुमार सिंह ने कहा कि निदेशक रामविलास शाह ने COVID-19 के विषम परिस्थितियों के बावजूद सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए जिले भर के बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया, जिसके कारण 9 प्रशिक्षण में 270 परीक्षार्थी प्रशिक्षित हुए, जिसमें से 49 परीक्षार्थी सफल होकर अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही निदेशक अभय सिंह ने कहा कि जिले के 16 प्रखंड में शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों को यूको RCT भागलपुर में निशुल्क प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया है, जिससे सभी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सके। मौके पर वरीय प्रबंधक राजीव सिन्हा, राजीव कुमार, आशुतोष नाथ आचार्य, गौरी प्रसाद यादव समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम हमारे निदेशक श्री राम विलास जी का रिटायरमेंट डेट था और उनको हम रिटायर करने के बाद उसी समारोह में एकत्रित हुए हैं, इनकी विदाई समारोह। यहाँ मेरा नाम अभय कुमार सिंह है, मैं यहाँ पदस्थापित हुआ हूँ और उनको आज विदा कर रहे हैं, कार्यभार मैंने संभाला। और हम जिले के अंदर पूरे ब्लॉक जो 18 ब्लॉक है उस पर हम जाएंगे और वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दे करके अपने पैरों पर खड़ा करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा विकास हो, हमारे भागलपुर जिला का विकास हो, बिहार का विकास हो और पूरे हिंदुस्तान का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ती है अगली खबर की ओर। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल परीक्षा में भागलपुर पाठशाला एडुसर्व के छात्रों ने फिर से बाजी मारी है। बता दें कि पाठशाला एडुसर्व के 8 छात्र छात्राओं ने भारी अंकों से पास होकर नीट परीक्षा में जिले का नाम रोशन किया है। पास हुए छात्रों में अलीगंज के संस्कार 690 अंक से उत्तीर्ण होकर ऑल इंडिया रैंकिंग में 470वां स्थान पाया है। इसके अलावा पाठशाला एडुसर्व के प्रेमराज को 661 अंक, निधि कुमारी को 648, ऋतिक कुमार को 620, दिया कुमार को 602 के अलावा अन्य छात्रों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी को लेकर मंगलवार को संस्था की ओर से पास हुए छात्रों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्रों को बुके और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। वही छात्रों ने मेडिकल में पास होने का श्रेय अपने संस्था और वहाँ के पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चों को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए मेहनत काफी जरूरी है। ऐसे में संस्था ने भी पढ़ाई के क्रम में छात्रों का काफी सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि लोग पढ़ाई को लेकर बड़े शहरों की ओर जाते हैं, जबकि पढ़ाई करना कहीं से भी असंभव नहीं है, लक्ष्य के प्रति रुझान होना चाहिए। वही संस्था के निदेशक आरके सिंह ने बताया कि उनकी संस्था में मौजूद तमाम लोग बच्चों के पढ़ाई के प्रति काफी अग्रसर हैं और उन्हें बड़े शहरों के मुकाबले हर वह चीज की व्यवस्था की जाती है जो पढ़ाई में उनके कारगर साबित हो। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे में अगर लगन हो तो हर संभव प्रयास किया जा सकता है और बेस्ट फैकल्टी की निगरानी में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मौके पर संस्था के कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मेरा नाम संस्कार है और मैं यहीं पे भागलपुर का निवासी हूँ। मैं यहीं पे अलीगंज में रहता हूँ और मेरा नीट में स्कोर था 690 और ऑल इंडिया रैंक 470 है। संस्थान बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, मतलब जो भी सफलता मिलती है उसके पीछे आधा हाथ तो संस्थान का ही होता है। यहाँ पे जो मटेरियल्स प्रोवाइडेड होते हैं मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। बेहतर अनुभव कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे थे कि हमारे कम से कम 10-12 बच्चे करें, लेकिन अभी हमारे पास 3 बच्चे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले साल और कुछ बच्चे हमारे ज़्यादा क्वालिफाई करें। इसके लिए हमारे जो शिक्षक हैं संस्थान के, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर हैं, बच्चों का इतना ज़्यादा केयर करते हैं, ऑनलाइन हमेशा क्लास देते हैं। दूसरी बात कि हमारा बच्चा कोई भी बच्चा हो, जब भी उसको कोई डाउट होता है व्हाट्सअप चैटिंग करता है, डाउट्स के लिए फ़ोन करता है और हमारे जो भी टीचर्स हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उन बच्चों का डाउट्स हम लोग क्लियर करते रहें। नाथनगर सिटीएस रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास मंगलवार को कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 300 लाभार्थी ने भाग लिया, जबकि 216 लाभार्थी का पंजीकरण किया गया। कैंप में उपस्थित नाथनगर के श्रम प्रबंधन अधिकारी अश्वनी राज, सीएससी जिला प्रबंधक मोहम्मद शम्स तबरेज,
सीएससी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अभय शर्मा, विकास कुमार, दीपमाला कुमारी समेत सुनील कुमार उपस्थित थे। यहाँ पे ई श्रमिक कार्ड जो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा योजना चलाया गया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं ना, उनको निबंधन करना है, जिनका एक यूनिक आधार कार्ड के तरह ही एक श्रम ई श्रम कार्ड सब लोग का जनरेट हो रहा है। इसमें जो पात्रता है कि कोई भी वैसे असंगठित क्षेत्र के लोग जो जिनका 15,000 से कम का आय है, वो ईपीएफ पीएफ ये सब उनका जमा नहीं होता है, जीएसटी फॉर्म नहीं भरते हैं, ऐसे कोई भी लोग असंगठित क्षेत्र के लोग, और जैसे कि कोई भी मजदूर, लेबर, टेम्पू चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कृषि श्रमिक, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, कोई भी आदमी जिनका बस 15,000 से कम का आय होना चाहिए, बस यही एक पात्रता है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में चर्चित सृजन महाघोटाले मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। निजी जमीन पर कब्जा के विरोध में जमीन मालिक ने थाना गेट पर दिया धरना, अंचल कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। एसएम कॉलेज में खुलेगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर, कामकाजी लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में होगी सहूलियत। और भागलपुर आरसीटी में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, निदेशक बोले बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर बनाया जाएगा हुनरमंद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।